name is Komal. I make beauty, fashion and lifestyle content on my channel. And if you are someone who looking for these content, then please take a moment and subscribe to my channel and also press the bell icon that you will be notified when I upload a new video. So without any further ado, let's get started. Alright, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 मस्ट हैव ग्रूमिंग टिप्स फॉर एवरी एज ग्रुप. सो ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं कि हमें बहुत सुंदर दिखना होता है, बहुत प्रेजेंटेबल दिखना होता है, बट ग्रूमिंग से ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी बहुत एनहांस हो जाती है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाता है. तो इसलिए मैं आपके साथ 10 मोस्ट यूजफुल और बहुत इजिली सिंपल सी ग्रूमिंग टिप्स लेके आई हूँ जो आपके लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज लेके आएंगी जिससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा एनहांस होगी. ऑलराइट, यहाँ पर मैं जितने भी प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करूंगी सभी की डिटेल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं. एंड ये सारे प्रोडक्ट आपको मेरा लिंक पे भी मिलेंगे. मेरा लिंक बेसिकली एक ऑनलाइन पेज है. जो भी मैं अपने वीडियोस में अपना प्रोडक्ट शेयर करती हूँ, जो आपको रिकमेंड करती हूँ, वो सब वहां पर आपको लिस्टेड मिलेंगे. बाहर के और मार्केट प्राइस से आपको वो अफोर्डेबल प्राइस में मिलेंगे, साथ में उनकी क्वालिटी जेन्युइन है. टिप नंबर 1, कोविड की वजह से सब घर पे ही हैं और मोस्टली जब बाहर भी जाते हैं तो हम वो मास्क पहन के जाते हैं जिसकी वजह से हम अंदर बाहर सांस लेते रहते हैं, तो वो मास्क में ना हमारा बैड ऑडर क्रिएट हो जाता है और बैड स्मेल का इश्यू रहता है. तो इससे बचने के लिए हम बार बार ब्रश तो कर नहीं सकते, और अगर आप बाहर भी जा रहे हो किसी से मिलने और आपको बात करनी पड़े तो वो बैड ऑडर हम खुद को फील करते हैं, तो बार बार हम ब्रश तो कर नहीं सकते हैं. तो सबसे बेस्ट मेथड जो मुझे लगता है वो पॉकेट फ्रेंडली माउथ फ्रेशनर स्ट्रिप्स आती हैं. ये एडिबल स्ट्रिप्स हैं, अमेजोन पे आपको इजीली मिल जाएंगी, तो आप अपने साथ ही कैरी रखें. बहुत सिंपल है इसे यूज करना, जस्ट आपको अपने माउथ में रखनी है. ये इजिली डाइल्यूट हो जाएगी, इजिली मेल्ट हो जाएगी आपके माउथ में, एक बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग फील भी देगी. इसमें काफी सारे फ्लेवर आते हैं, एक इसमें पान फ्लेवर आता है, मिंट फ्लेवर आता है, तो आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं, बट हमेशा एक माउथ फ्रेशनर स्ट्रिप्स अपने साथ कैरी रखो. अगर आपके पास ये नहीं है तो स्प्रे वाला माउथ फ्रेशनर है तो वो यूज कर सकते हो, बट हमेशा अपने साथ रखो. टिप नंबर 2 उनके लिए है जिनको येलो स्किन का इश्यू रहता है. हमारी लाइफ में कोई भी पर्सन हो, हम खुद हो, हमें येलो स्किन वाले लोगों से थोड़ा सा मतलब एक पीछे से हो जाते हैं, मतलब वो इश्यू रहता है, और येलो स्किन किसी को भी नहीं पसंद है. तो इसको बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बार बार ट्रीटमेंट तो लोगे नहीं, बार बार अपनी स्केलिंग तो कराओगे नहीं टीथ की, तो सबसे बेस्ट मेथड मुझे ये लगता है जब भी ब्रश करते हो तो नॉर्मल जब भी आप अपना कोई भी टूथपेस्ट ले रही हो उसमें हल्का सा पिंच ऑफ टर्मरिक डाल लो, लाइक उस पर स्प्रे कर लो, देन उसे अच्छे से ब्रश करो. इससे आपके टीथ पे जितने भी येलो कास्ट है वो रिमूव हो जाएगा, बट ये एक दिन में नहीं होगा अगर आपको ज्यादा येलो स्टेन है तो, पर धीरे धीरे ये अच्छे से वर्क करता है, येलो स्टेन रिमूव हो जाएगा. साथ में अगर आपको बैड ब्रेथ का इश्यू है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा, आपके बैक्टीरिया को भी चेंज करने में टर्मरिक हेल्प करता है. तो ये वाला हैक आप ट्राई कर सकते हैं. मैं डेली बेसिस पे मॉर्निंग में और इवनिंग दोनों टाइम में ब्रश करती हूँ, तो मॉर्निंग में मैं टर्मरिक जरूर यूज करती हूँ. मुझे ऐसा सच कोई येलो स्टेन का इश्यू नहीं है, यू कैन सी नहीं है मुझे कोई येलो स्टेन का इश्यू, बट फिर भी मैं रखती हूँ ताकि एक अच्छे से क्लीननेस मेंटेन रहे. तो ये वाला हैक आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, ये टिप बहुत यूजफुल है स्पेशली उनके लिए जिनको येलो स्टेन बिल्कुल नहीं पसंद, ऑफकोर्स किसी को भी नहीं पसंद, तो ये सबके लिए. टिप नंबर 3, डिसेंट स्माइल हमारी फेस को, हमारे कॉन्फिडेंस को इतना ज्यादा बूस्ट कर देती है कि सामने वाले को देख कर लगता है कि हाँ भाई बंदे में कुछ पर्सनैलिटी है, कुछ बात है. बट अगर वही स्माइल पे हम चैप लिप्ट हो तो वो बहुत ज्यादा बेकार लगता है. स्पेशली देखो किसी गर्ल्स ने लिपस्टिक लगाई हो और वो चैप लिप्ट हो तो वो कितना ज्यादा वियर्ड लगता है, और कोई बॉय भी हो तब भी चैप लिप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स बॉय लिपस्टिक नहीं लगाते हैं बट चैप लिप उनके भी होते हैं. तो चैप लिप से बचने के लिए आप अलग से कोई स्क्रबर वगैरह यूज ना करें, जब भी आप शावर लेते हैं अपना फेस चाल लें, उससे ही लिप्स को अच्छे से वाइप ऑफ कर लें. इससे आपके लिप्स के ऊपर जो भी डेड लेयर है वो रिमूव हो जाएगी, एंड ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड भी है एंड बहुत यूजफुल भी है. इससे डेली बेसिस में आपके लिप्स हैं वो एक्सफोलिएट हो जाएंगे, इससे आपके लिप्स सॉफ्ट रहेंगे, सप्पल रहेंगे, क्लीननेस मेंटेन रहेगी. तो ये वाली टिप आप जरूर ट्राई कर सकते हैं. टिप नंबर 4, फॉर फ्रिजी हेयर्स.
फ्रिजी हेयर किसी को भी नहीं पसंद और बेबी हेयर नहीं पसंद। जैसे अगर मैंने यहाँ बन बनाया और यहीं पे सारा फ्रिज आ जाए तो सारा टेंशन एकदम वो ग्रैब कर लेगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रिजी हेयर किसी को नहीं पसंद है, तो इससे बचने के लिए आप सीरम अगर यूज कर दे तो वो यूज कर सकते हैं। बट करंटली मुझे जो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है वो है लीव इन कंडीशनर। लीव इन कंडीशनर बेसिकली कंडीशनर का ही पार्ट है, बट उसे हम अपने हेयर में छोड़ सकते हैं। कंडीशनर में जैसे वॉश करना होता है, बट लीव इन कंडीशनर को हम अपने हेयर में छोड़ देते हैं, उसको वॉश नहीं करना होता। तो आप सीरम की जगह अपने लीव इन कंडीशनर में इन्वेस्ट करके देखो, इससे आपको टाइम टाइम बेस्ट रिजल्ट मिलेगा अपने फ्रिज में, बेबी हेयर में। स्प्लिट सेल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सो मार्केट में जो भी अवेलेबल है मैं उन सबकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो लीव इन कंडीशनर को अपने गीले बालों में अप्लाई कर सकते हो, ड्राई बालों में भी कर सकते हो, बट बेस्ट मेथड रहता है जब आप शावर लेने के बाद टॉवल ड्राई कर लेते हो। 40-45% आपके हेयर है वो वेट रहते हैं, तब आप अपने लीव इन कंडीशनर को लो और लेंथ से अप्लाई कर लो। इससे आपके हेयर में ज्यादा टेंगल है वो भी रिमूव हो जाता है, फ्रिज को भी कंट्रोल करता है, स्प्लिट सेंड को भी रिड्यूस करता है लॉन्ग रन में। सो डेफिनेटली आप लीव इन कंडीशनर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टिप नंबर 5 फॉर अंडर आर्म ऑर्डर एक बहुत ज्यादा मतलब एक हाइजीन पार्ट आता है, ग्रूमिंग पार्ट आता है। लाइक अगर आपके पास कोई खड़ा हो और आपके अंडर आर्म से बैड ऑर्डर आ रहा हो तो कितना ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी को डाउन कर सकता है। तो हमेशा अंडर आर्म के लिए आप कोई परफ्यूम ना यूज करें। लाइक मैं अंडर आर्म से कभी भी परफ्यूम वाले यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि अंडर आर्म के जो परफ्यूम होते हैं उनमें अल्कोहल होता है। जनरली जो नॉर्मल परफ्यूम भी हम लेते हैं तो उनमें अल्कोहल होता है और उससे हमारे अंडर आर्म डार्क हो सकते हैं। तो अंडर आर्म को अगर डार्क नहीं करना है, साथ में उसके ऑर्डर को भी कंट्रोल करना है, तो आप रोल ऑन यूज कर सकते हैं। रोल ऑन बेसिकली हमारे अंडर आर्म के ऑर्डर को न्यूट्रल करने में हेल्प करते हैं। आपके ऑर्डर को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे बट न्यूट्रल कर देंगे, तो उससे आपके कोई भी एक ऑर्डर नहीं आएगा अगर आपके सामने कोई खड़ा है तो। बाद में आप अपने ऊपर कोई परफ्यूम लेयर कर सकते हैं ऑफकोर्स, बट अंडर आर्म रोल ऑन डेली बेसिस पे आप लगाओ शावर लेने के बाद। एंड बेस्ट रिजल्ट के लिए आप रात को भी लगा के सो सकते हो, गर्मी आ गई तो रात को भी नहा सकते हो ना। तो नेक्स्ट टिप है बॉडी ऑर्डर के लिए। अंडर आर्म ऑर्डर के लिए हमने रोल ऑन देख लिया, बॉडी ऑर्डर को कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। सबकी बॉडी से कोई ना कोई ऑर्डर आता है, किसी का स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का माइल्ड होता है, किसी का न्यूट्रल होता है, बट बॉडी ऑर्डर निकलना एक नेचुरल पार्ट है और इससे शेम्ड होने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो बॉडी ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए आप डेली बेसिस पे कोई परफ्यूम जरूर अप्लाई करें। परफ्यूम कभी भी हमें ऐसा यूज नहीं करना चाहिए जो बहुत स्ट्रांग हो। चाहे आपको स्ट्रांग फ्रेग्रेंस पसंद है, बट क्या पता आप जिसका थड़े हो उसको स्ट्रांग फ्रेग्रेंस ना पसंद हो, उसको माइग्रेन हो जाए। तो इसलिए हमेशा जो सिंपल सटल सी जो न्यूट्रल फ्रेग्रेंस होती है वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यूज करती हूँ यहाँ पर बॉडी क्यूपिड का ये परफ्यूम। इसमें जो भी वेरियंट है सारे फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, इसमें जैस्मिन एंड लिली डला हुआ है। तो मुझे फ्लोरोसेंट बहुत पसंद है, इससे कोई माइग्रेन भी नहीं होता है, काफी सटल सी फ्रेग्रेंस है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। तो इसको मैं अपने मेन पॉइंट पे जो हमारे लाइक नर्व्स पॉइंट होते हैं वहां पर अप्लाई कर लेती हूँ और अपने परफ्यूम को अपने क्लोथ पे भी डाल लेती हूँ। इसमें अल्कोहल भी बाकी कंपैरिजन से कम है, तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ फ्रेग्रेंस आपको इस रेंज में मिल जाएगी। जैसा कि हम लोगों को चैप लिप नहीं पसंद, वैसे ही हमारी स्किन पे अगर फ्लेकीनेस आ जाए तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो आप डेली बेसिस पे अपनी स्किन को भी एक्सफोलिएट कर सकते हैं और वीकली बेसिस पे भी। डेली बेसिस के लिए आप कोई स्क्रबिंग की जगह आप लूफा यूज कर सकते हैं। लूफा बहुत अच्छे से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करता है। तो डेली बेसिस पे आप स्क्रबिंग ना करके लूफा से काम चलाएं, लूफा से अपनी बॉडी को क्लीन करें, इससे डेड लेयर भी रिमूव हो जाएगी। और वीकली बेसिस में अपने पूरी बॉडी को अच्छे से स्क्रबिंग करें। स्क्रबिंग करने से बेसिकली हमारे इनग्रोन हेयर होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, हमारे स्किन में जितना भी डेड लेयर है वो रिमूव हो जाती है, स्किन बहुत सॉफ्ट एंड सप्पल लगती है। तो आप कोई भी बॉडी स्क्रब ले, लेकिन वीक में एक बार जरूर करें। नेक्स्ट टिप, कोई भी सीजन हो आपको लोशन कभी भी स्किप नहीं करना है। यस, समर सीजन है, मुझे पता है बहुत गर्मी होती है, बहुत स्वेट आता है। आप बोलोगे कि पहले ही इतनी ज्यादा पसीना रहता है, लोशन लगाने के बाद और गर्मी लगेगी और पसीना लगेगा, बट गाइस ट्रस्ट मी, लोशन लगाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हम पानी पीते हैं ना अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए, वैसे लोशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। तो शावर लेने के बाद अच्छा सा एक लोशन अपनी बॉडी पर लादर करो, पेनिट्रेट करो, इससे लॉन्ग रन में आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट एंड सप्पल बनी रहेगी एंड देखने वाले को भी लगता है कि हाँ भाई ये बंदा वेल ग्रूम्ड है।
क्योंकि अगर वहीं पे आपको वाइट वाइट वो स्क्रैच दिख रहे हैं, फ्लेकीनेस दिख रही है, तो वो बिल्कुल वियर्ड लगता है। तो सामने वाले बंदे के सामने पर्सनैलिटी बनाने के लिए हमेशा एक बॉडी लोशन अप्लाई करो। जैसे अपने बॉडी को एक्सफोलिएट करना इम्पोर्टेंट है, वैसे ही अपने फेस को एक्सफोलिएशन करना भी इम्पोर्टेंट है। डेली बेसिस में मैं अपने फेस को एक्सफोलिएट करने के लिए यहाँ पर वास्किन साइंस का फेस वॉश ही यूज करती हूँ। वैरायटी ऑफ रेंज आपको मिल जाएगी, बट करंटली मैं ये आर्गन ऑयल वाला यूज कर रही हूँ। इनबिल्ट ब्रश के साथ आता है, तो ब्रश से आपकी स्किन में जितने डेड लेयर है वो रिमूव हो जाती है। तो डेली बेसिस पे आप इस तरह के एक्सफोलिएशन यूज कर सकते हैं। फेस वॉश ही है बट एक सिलिकॉन ब्रश है जिससे आपके डेली बेसिस पे एक्सफोलिएट हो जाएगी। आर्गन ऑयल है तो आपकी स्किन को नरिश भी रखता है, आपके स्किन पे कहीं टेक्सचर है तो उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। एंड वीकली बेसिस पे आप कोई ना कोई स्क्रब जरूर करें। सेंसिटिव स्किन है तो आप पील ऑफ वाले जो स्क्रब आते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, बट वीकली बेसिस या डेली बेसिस पे अपने स्किन के साथ साथ अपने फेस को भी एक्सफोलिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्ल्स ये टिप आपके लिए ही है, बॉयज तो आईब्रो का क्या ही करेंगे, बट गर्ल्स का जो टेक्सचर है, जो इम्प्रूवमेंट आती है ना, जो फेस लुक आता है ना, वो आईब्रो से बहुत एनहांस होता है। लाइक अगर मैं पूरा मेकअप कर लूँ और मैं अपनी आईब्रो ना करूँ ना, वो इतना वियर्ड लगता है कि दिखता है कि भाई इस बंदी ने आईब्रो नहीं करी हुई, क्या मेकअप है। अगर सिंपल भी आप जा रहे हो और आईब्रो अच्छे से ग्रूम्ड है ना, दिखता है भाई हाँ भाई ये बंदा बहुत अच्छे से वेल ग्रूम्ड है। आईब्रो हमारे लुक को ना ओवरऑल बहुत एनहांस कर देता है। कभी डिफरेंस करके देखना, एक तरफ आईब्रो लगा के देखना, मतलब अच्छे से शेप करके देखना, दूसरी तरफ ऐसे ही जाना, बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो हमेशा अपने आईब्रो को ग्रूम करो। ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टेक्सचर इम्प्रूव करना है, ओवर ड्रो करनी है, आपके नॉर्मल जो आईब्रो का कलर है बस वही, उससे अपने आईब्रो को शेप कर लो। बहुत लोग होते हैं जिसकी वेल डिफाइंड आईब्रो है, तो दैट्स ग्रेट, आप बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। बट जिनके मेन तरह है कहीं पर कहीं स्पार्स एरियाज है, तो उसको जरूर फिल करो, इससे आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत एनहांस होती है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये ग्रूमिंग टिप्स आपके लिए बहुत यूजफुल हो। यहाँ पर मैंने जो भी प्रोडक्ट आपको शेयर करे हैं सबकी डिटेल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक